हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो गाइस, आज यहां पे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीयूईटी 2023 के बारे में। अब गाइस, सीयूईटी का नाम यहां पे आपने से ज़्यादातर लोगों ने नहीं सुना होगा। जी हाँ गाइस, यहाँ पे सीयूईटी क्या है, किस लिए आप लोगों को ये एग्ज़ाम देना है, इस एग्ज़ाम के बेनिफिट्स क्या है, इस एग्ज़ाम को देने का गाइस इतना बड़ा एडवांटेज है कि मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा तो आप खुद बोलेंगे कि इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपको ज़रूर करनी चाहिए। अब गाइस, साथ ही साथ इसका एप्लीकेशन किस तरह से फिल करना है, सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न, हर एक चीज़ पूरा बेसिक टू एंड डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। तो चलिए, ज़्यादा टाइम पास किए बिना वीडियो को स्टार्ट करते, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे गाइस आप लोगों को सीयूईटी 2023 के रिगार्डिंग हर एक डिटेल इन्फॉर्मेशन, जैसे ही ऑफिशियल अथॉरिटी कोई भी अपडेट निकालेगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब गाइस, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे सीयूईटी, जो कि हमारा मेन टॉपिक है आज का, सीयूईटी है क्या। सबसे पहले बता दूं, सीयूईटी का फुल फॉर्म है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये जो है सीयूईटी का फुल फॉर्म है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो कि एक, पहले हम यहाँ पे सीयूईटी का जो है हाईलाइट देख लेते हैं कि सीयूईटी क्या है, फिर उसके बाद जो है आगे और भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे एक एक टॉपिक पे सेपरेटली। तो सीयूईटी का फुल फॉर्म आपको क्लियर हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अब बात की जाए गाइस किस लेवल का एग्जाम है, तो ऑल इंडिया लेवल नेशनल लेवल का एग्जाम है, यानी कि अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप लोग यहाँ पे इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम की ऑफिशियल कंडक्टिंग अथॉरिटी कौन है, सो गाइस यहाँ पे NTA यहाँ पे जो है आप लोगों की एग्जाम की ऑफिशियल कंडक्टिंग अथॉरिटी है, जो कि आपका एग्जाम कंडक्ट करेगी। NTA मींस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो गाइस, ये आप लोगों की ऑफिशियल अथॉरिटी है। अब अगर आप इस एग्जाम को क्लियर करके क्रैक करते तो आपको UG यानी कि अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस, UG एंड PG, ये दो कोर्सेज में गाइस आप लोगों को एडमिशन मिल सकता है। इन दो कोर्सेज में वेरियस न्यूमेरस फील्ड्स अवेलेबल है, उसमें आप लोग यहाँ पे एडमिशन मिल सकते हैं। इन न्यूमेरस इंस्टीट्यूट, कितनी इंस्टीट्यूट है, कौन सी है, वो भी आगे देखेंगे। अब गाइस यहाँ पे आपको, यहाँ पे मैंने जो है थोड़ी डिटेल्स दे दी। अब एक और चीज बता दूं कि प्रीवियसली एक दो साल पहले यहाँ पे जो सीयूईटी है ये जाना जाता था यहाँ पे पहले सीयूसीईटी के नाम से, सीयूसीईटी, आपने ये नाम जरूर सुना होगा पहले सीयूसीईटी। अब गाइस इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, लेकिन इसे जो मॉडिफाई करके, चेंज करके अपडेट कर दिया गया सीयूईटी पे, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। बीच में जो कॉमन था वो कॉमन को निकाल दिया गया है और यहाँ पे अभी हमारा जो ओरिजिनल नाम है वो है सीयूईटी। ओके, अब गाइस ये जो एग्जाम का जो नाम चेंज किया गया UGC के थ्रू, गाइस यहाँ पे यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के थ्रू चेंज किया गया है। एग्जाम जो है ऑलमोस्ट अराउंड 500 सिटीज में कंडक्ट ऑर्गेनाइज कराया जाता है इन इंडिया एंड एज वेल एज इन अब्रॉड। अब गाइस यहाँ पे आप लोगों का जो एग्जाम है ऑनलाइन मोड में कंडक्ट करवाया जाएगा। अब यहाँ पे हमने जो है ऑलमोस्ट सीयूईटी क्या है, किस में कंडक्ट कराता है, कौन कंडक्ट करता है, पहले किस नाम से जाना जाता था, ये सारी चीज़ें देख ली है। अब हम देखेंगे कि जो सीयूईटी, जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो सीयूईटी है पहले सीयूसीईटी के नाम से जाना जाता था, तो जब पहले उसका नाम कुछ और था, नाम यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है सीयूईटी पे। ओके, सीयूसीईटी से सीयूईटी जब नाम कर दिया गया तो सीधी सी बात है, जब नाम में चेंज लाया, एग्जाम को जो पूरा चेंज किया, तो उसके साथ और भी कई सारी चीज़ें होगी जो कि चेंजेस लाई गई होगी। जैसे कि कई सारे लोगों को सीयूसीईटी से वो लोग फेमिलियर होंगे, उन्हें पता होगा कि सीयूसीईटी क्या है, शायद कई लोगों ने अप्लाई भी किया होगा सीयूसीईटी के लिए, बट यहाँ पे अब जो है नाम चेंज हो चुका है सीयूसीईटी पे। अब गाइस यहाँ पे सीयूसीईटी को किस तरह से आप लोग यहाँ पे सीयूसीईटी में कौन से नए चीज़ें जो लाई गई है, कौन से नए अपडेट्स लाए गए, जो कौन से चेंजेस लाए गए जो कि आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, वो चेंजेस यहाँ पे देख लेते हैं। सो गाइस यहाँ पे आप लोगों का जो सीयूईटी जो लास्ट ईयर यहाँ पे कंडक्ट किया गया था, तो पहले मैंने आपको बताया था 2021 में समथिंग अराउंड यहाँ पे सीयूसीईटी के नाम से जाना जाता था, लेकिन अभी सीयूईटी के नाम से जाना जाता है। ये हमारा जो है फर्स्ट चेंज जो है ये हमारा था। ओके, अब इसके बाद जो है सेकेंड चेंज आपको बता दूं कि जो सीयूईटी का जो एग्जाम गाइस यहाँ पे कंडक्ट करवाया गया था, तो सीयूईटी का एग्जाम पहले जो है सिंगल लैंग्वेज में होता था, लेकिन अभी यहाँ पे आप लोगों का सीयूईटी का एग्जाम
13 लैंग्वेजेस में कंडक्ट करवाया जाएगा। जी हाँ गाइस, टोटल यहाँ पे आप लोगों का एग्जाम जो है 13 लैंग्वेजेस में आप लोगों का एग्जाम यहाँ पे जो है कंडक्ट ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। नेक्स्ट अब बात करेंगे गाइस यहाँ पे लैंग्वेजेस की, तो यहाँ पे आप लोगों की जो क्वेश्चन पेपर है उसमें जो है कंपल्सरी लैंग्वेज टेस्ट रहेगा और जो है 2 डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट एंड जनरल टेस्ट यहाँ पे आपके पेपर में जो इंक्लूड किए गए हैं। आप लोग जो ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आप करेंगे, ऑप्शनल आपने जो सेलेक्ट करेगा वो रहेगा एंड कंपलसरी यहाँ पे रहेगा। अब गाइस बात करेंगे यहाँ पे आप लोगों के स्कोर मीन्स कौन से कितने यूनिवर्सिटी से आप लोगों का यहाँ पे जो है एक्सेप्ट किया जाता है स्कोर। तो गाइस ये आप लोगों के लिए जो है काफ़ी ही बड़ी न्यूज़ रहेगी, काफ़ी ही जो है ग्रेट न्यूज़ रहेगी आप लोगों के लिए। पहले आप लोग अगर CUET का एग्ज़ाम देते थे, ठीक है, अगर आपने प्रीवियसली लास्ट ईयर यहाँ पे अगर CUET का एग्ज़ाम आप क्लियर करके क्रैक करते तो आप लोगों को जो है गाइस यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशंस में आप लोगों को जो एडमिशन मिलता वो सिर्फ और सिर्फ 12 था, यानी कि 12 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आप लोगों को एडमिशन मिलता। और यहाँ पे CUET के एडमिशन के लिए CUET का एग्जाम क्लियर करके क्रैक करते तो 12 यूनिवर्सिटी में आप लोगों का एडमिशन मिलता है, 12 सेंट्रल यूनिवर्सिटी। लेकिन अभी इस ईयर गाइस यहाँ पे आपको जो है टोटल 86 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में गाइस आप लोगों का एडमिशन मिलेगा। जी हाँ, अगर आप लोगों को CUET का एग्जाम आपने क्लियर करके क्रैक किया तो 86 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में आप लोगों को एडमिशन मिलेगा। यानी कि गाइस अभी सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ, पहले कैसा होता था कि अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, अगर आप लोगों को मैं एग्जांपल देता हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो या फिर कोई और यूनिवर्सिटी होगी उसमें आपको एडमिशन चाहिए तो आपको उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होता था, उसे क्रैक करके फिर उस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिलता था। यहाँ पे मैं आपको आइए माइंड मैप से समझा देता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों की एक ये यूनिवर्सिटी हो गई, ओके। अब इस यूनिवर्सिटी में अगर आपका एडमिशन चाहिए तो आपको इसके थ्रू जो यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पे जो कंडक्ट होता था उस एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करके क्रैक करेंगे तभी आप लोगों को यहाँ पे जो एडमिशन मिलता था। लेकिन सी और एक और चीज, अगर आपने इसकी प्रिपरेशन की और आप यहाँ पे इसे क्लियर नहीं कर पाते तो आप लोग को यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलेगा, आपका जो ईयर वेस्ट होता था, आपकी मेहनत वेस्ट होती थी। लेकिन अभी CUET से हमारा ये फायदा हो जाएगा कि CUET यहाँ पे जो हम एग्जाम देंगे, ठीक है, अब CUET के थ्रू गाइस यहाँ पे 86 कॉलेजेस है, कितने 86, 1, 2, 3, 4 नहीं है, सारी के सारी आप देख सकते हैं। ये हमारी जो है स्टेट यूनिवर्सिटी हो गई या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो गई, तो इतनी सारी यूनिवर्सिटीज है तो इसके स्कोर के बेसिस पे आप लोग किसी ना किसी कॉलेज में, किसी ना किसी इंस्टीट्यूट में तो अप्लाई कर ही सकते हैं। अगर एक में नहीं हो रहा है तो दूसरे में कर सकते हैं, दूसरा है तो तीसरा, टोटल 86 यहाँ पे जो है सेंट्रल, डीम, स्टेट सब मिला के यूनिवर्सिटीज है। तो आप लोग जिसमें भी चाहे उसमें आप लोग एडमिशन ले सकते हैं यहाँ पे CUET के थ्रू। तो सबसे मेन मोटिव जो है CUET का वो यही है और काफ़ी ही बेहतर है, काफ़ी ही जो है यहाँ पे बेनिफिशियल है स्टूडेंट्स के लिए जो कि यहाँ पे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते फॉर UG एंड PG कोर्सेज। अब नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे फीस की, तो गाइस एप्लीकेशन फीस में भी यहाँ पे थोड़े बहुत से चेंजेस हुए, डिटेल एप्लीकेशन फी आगे डिस्कस करेंगे उसके सेक्शन में। लेकिन बता दूँ क्या चेंजेस है यहाँ पे, पहले PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं थी, लेकिन इस सर यहाँ पे जो है रिजर्व कैटेगरी में उनको जो है मेंशन करके यहाँ पे उनसे एप्लीकेशन फी ली जाएगी। साथ ही साथ आप लोगों का जो एग्ज़ाम है यहाँ पे 13 इंटरनेशनल सिटीज़ में कंडक्ट करवाया जाएगा जो कि पहले नहीं था। तो गाइस ये सारे जो है चेंजेस है जो कि यहाँ पे CUET आप लोगों के जो एग्ज़ाम है उसमें होने वाले हैं। सो गाइस आई होप कि अभी आप लोगों को यहाँ पे इतना सब क्लियर हो गया रहेगा कि एग्ज़ाम किस लिए कंडक्ट होता है, क्यों होता है एग्ज़ाम, हमारे लिए बेनिफिशियल क्यों, यानी कि स्टूडेंट्स के लिए इतना ज़्यादा बेनिफिशियल क्यों होने वाला एग्ज़ाम, ये सारी चीज़ें तो हमने देख ली। अब गाइस यहाँ पे क्या क्या है, व्हाट्स न्यू इन CUET 2023 वो भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब आगे बढ़ते हाइलाइट्स पे, एक जस्ट क्विक स्नैप ले लेते हैं हाइलाइट का CUET का कि क्या क्या हमने देखा। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म हमने देख लिया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टिंग बॉडी NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। एग्जाम के थ्रू आपको UG और PG अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन मिल सकते हैं। एग्जाम साल में कितनी बार कंडक्ट कराया जाता है, तो साल में एक बार आप लोगों का ये एग्जाम कंडक्ट ऑर्गेनाइज कराया जाता है। एग्जाम मोड ऑनलाइन रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट गाइस आप लोगों का एग्जाम यहाँ पे लिया जाएगा। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टेस्ट टेकर कितने थे 2022 में, तो गाइस यहाँ पे टोटल आप लोगों के जो है जितने कैंडिडेट्स ने यहाँ पे टेस्ट दिया था वो थे 14,90,000।
सो गाइस टोटल 14,90,000 स्टूडेंट्स ने यहाँ पे जो है अप्लाई किया था सीयू ईटी के लिए प्रीवियसली। अब गाइस किस तरह के कोर्सेज में आपको एडमिशन मिलेंगे, तो बीएससी हो गया, बीए हो गया, बैचलर इन एग्रीकल्चर हो गया, बीए एलएलबी हो गया, बीबीए बीकॉम, इस तरह के कोर्सेज में आपको एडमिशन मिल सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम फीस की बात की जाए तो गाइस एक रफ ओवरव्यू देते तो आपको एग्जाम फीस का, आगे हम डिटेल में और डिस्कस करेंगे एक एक पैटर्न को लेकर, लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको एक क्विक स्नैप दे देता हूँ। लाइक अगर आप जनरल कास्ट से बिलोंग करते तो जनरल कास्ट से बिलोंग करने वाले की गाइस एप्लीकेशन फी यहाँ पे रहेगी 650 रुपीज़। अगर आप ओबीसी एनसीएल या ईडब्ल्यूएस इकोनॉमी वीकर सेक्शन से बिलोंग करते तो 600 रुपीज़ एप्लीकेशन फी रहने वाली है। अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी पर्सन विद डिसेबिलिटी या फिर ट्रांसजेंडर है तो उसके लिए आपकी एप्लीकेशन फ़ी 550 रुपीज़ रहेगी। अब गाइस यहाँ पे बात करेंगे बाद में इंटरनेशनल कैंडिडेट्स की, तो वो इंटरनेशनल कैंडिडेट्स के लिए गाइस यहाँ पे टोटल जो है 3,000 रुपीज़ आपकी एप्लीकेशन फ़ी रहेगी। अब उसके बाद एग्जाम ड्यूरेशन की बात किया तो टोटल 2 स्लॉट्स रहेंगे, स्लॉट 1 स्लॉट 2। स्लॉट 1 के लिए गाइस आप लोगों को यहाँ पे दिया जाएगा 195 मिनट्स एंड स्लॉट 2 के लिए दिया जाएगा 225 मिनट्स। टोटल मार्क्स जो है स्लॉट 1 का जो टोटल मार्क्स रहेगा वो यहाँ पे रहने वाला है 700 मार्क्स का, स्लॉट 2 आप लोगों का 400 मार्क्स का यहाँ पे रहेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे जाएंगे गाइस यहाँ पे, तो आप लोगों को टोटल 175 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे स्लॉट 1 में, जिसमें से 140 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना कंपलसरी मैंडेटरी है। स्लॉट 2 में आपको 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें से 80 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना होगा। मार्किंग स्कीम गाइस, मार्किंग स्कीम +4 -1 की यहाँ पे रहेगी, यहाँ पे फिर +1 -0.25 की भी रहेगी, डिपेंड करता है यहाँ पे आपके स्लॉट पे। एग्जाम सेंटर टोटल गए 500 सिटीज़ में आप लोगों का गाइस यहाँ पे इंडिया में आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा एंड 14 इंटरनेशनल अब्रॉड ये इंटरनेशनल सिटीज़ में एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट ऑर्गेनाइज होगा। सो गाइस यहाँ पे हमने जो है CUET 2023 के रिगार्डिंग हर एक डिटेल इन्फॉर्मेशन देख ली है, क्या है, कैसा है, क्यों है, किस लिए कंडक्ट होता है, एडवांटेजेस बेनिफिट सारी चीज़ें देख ली। अब इसके एग्जाम्स के और बढ़ते हैं। लाइक सबसे पहले अगर आप लोगों को CUET एग्जाम के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या पता रहना चाहिए उसकी एग्जाम डेट्स, लाइक CUET का जो एग्ज़ाम है यहाँ पे कब कंडक्ट होगा, कौन से मंथ में आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा, किस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, एप्लीकेशन फॉर्म जो सबमिट करने की लास्ट डेट क्या है, काफ़ी सारी डिटेल्स है जो आपको पता रहना कंपलसरी मैंडेटरी है। तो आइए वो सारी डिटेल्स चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि आप लोगों का जो एप्लीकेशन फॉर्म है कौन से मंथ में यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होता है। तो गाइस आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म है अप्रैल के मंथ में रिलीज़ किया जाएगा एंड लास्ट डेट जो रहेगी आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की मे की लास्ट वीक जो है आप लोगों की, मे की लास्ट वीक जो आप लोगों की एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट एंड डेट रहेगी। बात की जाए गाइस यहाँ पे आप लोगों का एडमिट कार्ड की, तो आपका एडमिट कार्ड जुलाई में यहाँ पर रिलीज हो जाएगा एंड जुलाई के मिड में आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। अब गाइस यहाँ पे CUET के कई सारे सेशन होते हैं, तो हर सेशन जो अलग अलग सेशन की एग्जाम डेट रहती है। फर्स्ट सेशन जो है वो यहाँ पे फर्स्ट सेशन की जो 22 डेट्स है मैंने आपको बता दी है। अब गाइस डेट्स हो गई, डेट्स के बाद स्लॉट की बात की जाए, जैसे कि मैंने बताया था 2 स्लॉट होते हैं स्लॉट 1 स्लॉट 2, तो स्लॉट 1 का जो टाइमिंग रहता है वो मोस्ट प्रोबेबली 9 AM से लेके 12:15 PM तक रहेगा। स्लॉट 2 का टाइमिंग 3 PM से लेके 6:45 PM तक आपका टाइमिंग रहेगा। तो यहाँ पे हमने जो है अभी एग्जाम डेट्स देख ली, अब हम गाइस यहाँ पे आगे बढ़ेंगे एप्लीकेशन फॉर्म पे, क्योंकि गाइस जब एग्जाम डेट्स आपने देख ली तो एग्जाम डेट्स के बाद आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अप्लाई करने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको डेट पता चल गई। तो गाइस यहाँ पे आपको बता दूं कि CUET का जो एप्लीकेशन फॉर्म है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, दूसरे एग्जाम्स की तरह नहीं है, इस पर आप लोगों को जो थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, अगर आप CUET का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं और अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम कोई भी गलती की या कोई भी इनवैलिड डिटेल्स आप एंटर करते हैं, आपसे कोई मिस्टेक हो गई, आपने कोई गलत डिटेल एंटर कर दी, तो आप लोगों का जो एप्लीकेशन फॉर्म है गाइस डायरेक्टली मे बी रिजेक्ट हो सकता है, आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगा। अब गाइस क्या करना होगा कि एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट है, उसका सॉल्यूशन क्या, बहुत ही बेस्ट सॉल्यूशन आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आइए देखते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म का एक्चुअल में प्रोसेस है क्या।
तो गाइस सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आप लोगों को जो है सीयूईटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके उसका जो है रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन कैसे करना होगा, आप लोगों को जो अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करानी होगी, लाइक योर नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कम्युनिकेशन एड्रेस, उतनी डिटेल्स प्रोवाइड कराने के बाद आप रजिस्टर हो जाएंगे। ईमेल एड्रेस पे, मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, वो प्रोवाइड करा के आपको वेरीफाई कराना होगा। इतनी चीजें होने के बाद गाइस फिर नेक्स्ट आपको क्या करना रहता है, आपको अपने अकाउंट में लॉग इन करना होगा। उसके बाद आपको अपनी सारी पर्सनल डिटेल्स एंटर करनी है, आपका डेट ऑफ बर्थ, जो भी पर्सनल डिटेल्स आपसे पेंडिंग डिटेल्स रहेगी वहाँ पे सारी पर्सनल डिटेल्स एंटर करनी है। फिर पेरेंट्स गार्जियन डिटेल एंटर करनी है, उनका नाम, उनका ईमेल एड्रेस, उनका मोबाइल नंबर एंटर करना होगा, एड्रेस, करस्पॉन्डेंट एड्रेस एंटर करना है। फिर आप लोगों की एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स एंटर करनी होगी कि आपकी प्रीवियसली लास्ट लेटेस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ, सिग्नेचर स्कैन करके अपलोड करना है। एंड लास्ट में आप लोगों को एप्लीकेशन फी पे करनी होती है। तो गाइस ये जो है पूरा एक कंप्लीट प्रोसेस है यहाँ पे आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म का। अब गाइस जो लास्ट में एप्लीकेशन फी पे करनी है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जनरल कास्ट के लिए 650 एप्लीकेशन फी रहेगी, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस के लिए 600, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी एंड ट्रांसजेंडर के लिए 550, एंड आउटसाइड इंडिया के इंटरनेशनल कैंडिडेट्स के लिए 3000 रुपीज एप्लीकेशन फी रहेगी। अब गाइस यहाँ पे मेन इशू ये होता है कि जो स्टूडेंट्स लोग होते हैं उन्हें एप्लीकेशन फॉर्म में दिक्कत होती है, क्योंकि काफ़ी जो है कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और कुछ गलती या कुछ इनवैलिड डिटेल्स डालने की वजह से आप एप्लीकेशन जनरली रिजेक्ट हो सकता है। तो अब आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे गाइस जैसे ही आप लोगों के एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा, सीयूईटी 2023 का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होते ही हमारे चैनल यानी कि एंट्रेंस एग्जाम गाइड पे गाइस हम लोग एक वीडियो डालेंगे। उस वीडियो में आप लोगों को सीयूईटी 2023 का जो है गाइस लाइव एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके बताया जाएगा। जी हाँ, फ्रॉम स्टेप वन यानी कि आपका नाम एंटर करने से लेकर टिल फाइनल सबमिशन एप्लीकेशन फी तक इवन आप लोगों को पे करके बताई जाएगी उस पर्टिकुलर वीडियो में। तो गाइस आपको सिंपली मेक श्योर कीजिएगा आपने अभी के अभी तुरंत जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब का बटन नीचे दिया हुआ रेड कलर का उसे अभी के अभी दबाइए, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा हम एक वीडियो बनाएंगे, उसमें लाइव एप्लीकेशन फिल करके बताएंगे, आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है, आपका एप्लीकेशन विदाउट एनी एरर जो आप आसानी से सबमिट कर चुके होंगे। आपको कहीं साइबर में जाके 200-300 रुपए देने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, सिंपली उस वीडियो में जो प्रोसेस है उसे फॉलो करना रहेगा एंड आप लोगों का एप्लीकेशन आसानी से सबमिट हो जाएगा। अब गाइस एप्लीकेशन हो गया, उसके बाद गाइस आते नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्योंकि गाइस अगर आप लोगों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप अगर सेटिस्फाई नहीं करते तो सॉरी टू से बट आप लोग यहाँ पे जो है सीयूईटी के एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। क्योंकि गाइस फॉर एग्जांपल अगर आप किसी जॉब के लिए जाते तो रिक्रूटर्स पहले आपका सीवी देखेंगे, आप लोग एक्सपीरियंस देखेंगे, आपसे क्यूरीज करेंगे, फिर जाके अगर आप एलिजिबल होंगे तो ही आप लोगों को जो है जॉब दी जाती है। उसी तरह से अगर आप लोगों को इस एग्जाम के लिए अप्लाई करना है तो पहले इस एग्जाम की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपको उसे सेटिस्फाई करना होगा, तब आप लोग एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आइए चेक करते हैं साथ में। तो सबसे पहले आप लोग जो भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे 12th पास आउट रहना चाहिए, 12th पास आउट रहनी चाहिए, HSC 12th पास रहनी चाहिए विद साइंस स्ट्रीम, यहाँ पे अगर आप लोगों को बैचलर डिग्री में एडमिशन चाहिए, तो अगर जो भी कैंडिडेट को बैचलर डिग्री में एडमिशन चाहिए तो 12th पास आउट रहनी चाहिए विद साइंस स्ट्रीम। अभी बात की जाए जनरल कास्ट के कैंडिडेट है अगर आप, तो आपके मिनिमम 50% यहाँ पे रहनी चाहिए 12th स्टैंडर्ड में। अगर SC या ST कास्ट से बिलोंग करते तो 45% मिनिमम आपके यहाँ पे रहनी चाहिए एडमिशन के लिए, मीन्स आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई करने। अब बात की जाए BTEC कोर्स के लिए, तो BTEC के लिए गाइस मिनिमम यहाँ पे जो है जनरल कास्ट के लिए 45% एंड रिजर्व कास्ट के लिए 40% आप यहाँ पे जो है 12th में मिनिमम क्वालिफाइंग जो है परसेंटेज रखानी है। अब गाइस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की। अब आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे आप ठीक है आप सीयूईटी के लिए एलिजिबल हैं, वेल एंड गुड, आप लोग यहाँ पे एलिजिबल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर चुके हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना था, आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लिया, आपको पूरा प्रोसेस समझ गया, आप एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल कर लेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया रहेगा तो वीडियो देख के आसानी से फिल कर पाएंगे। अब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपको इसकी प्रिपरेशन करनी होगी, राइट। प्रिपरेशन आप कब कर पाएंगे, जब दो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। कौन से दो कॉन्सेप्ट, सबसे पहला कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों का एग्जाम पैटर्न क्लियर रहेगा पूरा, आपको पता रहेगा कि कितने क्वेश्चंस कितने मार्क्स के लिए आएंगे, कितना ड्यूरेशन है, कितने मार्किंग स्कीम है, और सेकंड कॉन्सेप्ट सिलेबस, ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तब ही जाके गाइस आप लोग यहाँ पे सीयूईटी 2023 के प्रिपरेशन करके उसे क्लियर करके क्रैक कर सकते हैं।
तो आइए चेक करते हैं, इन दो कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर लेते हैं। ऑलरेडी इतने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए तो ये तो क्यों नहीं करेंगे यार। तो चलिए सबसे पहले बता दो, अगर एग्जाम पैटर्न की बात की जाए तो गाइस आप लोगों को जो एग्जाम होने वाला है यहाँ पे दो स्लॉट में होगा, स्लॉट वन एंड स्लॉट टू। ओके, दो स्लॉट में आपके एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT आप लोगों का ऑनलाइन मोड में एग्जाम लिया जाएगा, जिसका ड्यूरेशन रहेगा 2.5 आवर्स। अब जो आप लोगों का जो एग्जाम है उसमें गाइस सेक्शन A1 रहेगा एंड सेक्शन A1B रहेगा, 1A रहेगा, दो सेक्शन यहाँ पे रहेंगे जो कि जनरल टेस्ट एंड डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स रहेंगे। अब जो सेक्शन ए रहने वाला है, सेक्शन 1A जो रहने वाला है उसमें गाइस आपके कंपलसरी जो है 13 लैंग्वेजेस में आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा, और यहाँ पे उसमें से 13 लैंग्वेज कोई भी एक लैंग्वेज आपको जो है सेलेक्ट करनी होगी, और सेलेक्ट करने पे गाइस वहाँ पे आप लोग फिर उस पर्टिकुलर यानी कि सेक्शन 1A को आप लोगों को उस पर्टिकुलर सेलेक्टेड लैंग्वेज में आपको जो पेपर मिल जाएगा आपको उसे सॉल्व करना होगा। बात की जाए सेक्शन 1B की, तो आपके सेक्शन 1B जो गाइस यहाँ पे ऑप्शनल रहने वाला है स्टूडेंट्स के लिए, और यहाँ पे जो ऑप्शन आप जो भी कोर्स या जो भी सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करेंगे वो आपको आपके जो है सेलेक्टेड लैंग्वेजेस में जो है वो एग्जाम देने के लिए प्रोवाइड करा दिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको बता दूं कि और भी कुछ यहाँ पे लैंग्वेजेस है जो कि ऑन ऑफर है, वो है फ्रेंच, अरेबिक, जर्मन, इस तरह के और भी कई सारे यहाँ पे लैंग्वेजेस है। अब गाइस बात करेंगे अगर क्वेश्चंस की एंड मार्किंग स्कीम की, तो गाइस यहाँ पे क्या है ना, अगर बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चंस यानी कि कितने क्वेश्चंस पूछे आते हैं, क्या मार्किंग स्कीम है +4 -1 की है या +1 -0.25 की है, तो गाइस ये टोटली वेरी करता है फ्रॉम स्लॉट टू स्लॉट, यानी कि ये पूरी तरह से डिपेंड करता है कि आप जो है किस सेक्शन के किस स्लॉट पे जाते हैं उसके हिसाब से आपको ये सेलेक्ट करना है, चेक करना है। अगर आपको पूरी डिटेल चाहिए तो उसके ऊपर सेपरेट वीडियो हम बहुत जल्दी बनाने वाले हैं यहाँ पे एग्जाम पैटर्न के ऊपर, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं, आपके सामने पूरी डिटेल्स पूरा आर्टिकल ओपन हो जाएगा, वहाँ से भी आप डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं। अब गाइस एग्जाम पैटर्न के बाद आते हैं सिलेबस पे, तो गाइस आप लोगों का जो सिलेबस है यहाँ पे NCERT का जो 12th क्लास का सिलेबस है वही गाइस ज्यादातर रहेगा। लाइक मैं बता दूं तो आपका सिलेबस में टॉपिक्स इंग्लिश हो गया, जनरल एप्टीट्यूड हो गया, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड हो गया, डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, एनालिटिकल स्किल्स हो गया, रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज हो गया, इस तरह के गाइस आप लोगों के जो है टॉपिक्स है मेन जिसमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब गाइस पूरा कंप्लीट सिलेबस तो डिस्कस करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए अगेन मैं आपको बता दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से आप डायरेक्टली जो कंप्लीट सिलेबस चेकआउट कर सकते हैं। अब गाइस सिलेबस के बाद बात करते हैं टेस्ट सेंटर की, सो गाइस टोटल यहाँ पे जो है 489 टेस्ट सेंटर्स है जो कि लोकेटेड है 259 सिटीज में अक्रॉस इंडिया, और गाइस 9 सिटीज अब्रॉड में भी है जहाँ पे आप लोगों का एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट कराया जाता है, तो काफी ही जो है आप लोगों को ह्यूज ऑप्शंस मिल जाते हैं एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करने के लिए, जो भी आपके घर से एकदम नजदीक हो आप वो एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कर सकते हो। अब गाइस एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बाद बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट एडमिट कार्ड की। अब यहाँ पे एडमिट कार्ड है क्या, एडमिट कार्ड क्या होता है और किस लिए होता है ये एडमिट कार्ड, तो सबसे पहले बता दूं कि एडमिट कार्ड के आपके डिटेल्स कौन सी रहती है, आपका फोटोग्राफ रहेगा, आपका सिग्नेचर रहेगा, सब्जेक्ट्स, टाइमिंग्स, और एडमिट कार्ड के पीछे बैक साइड पे जो है जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए रहते हैं एग्जाम्स डे के रिगार्डिंग। अब गाइस यहाँ पे जो एडमिट कार्ड है कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स लोग डाउनलोड ही नहीं कर पाते एडमिट कार्ड को, रीजंस मेनली ये रहते हैं कि उन्हें पता नहीं चलता एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है, या फिर किस तरह से डाउनलोड करना, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का प्रोसेस क्या है, ऑफिशियल लिंक कहाँ से मिलेगी ये नहीं पता होता है, या तो फिर हैवी ट्रैफिक की वजह से या सर्वर एरर की वजह से एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाते। और अगर आप एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं करते तो गाइस विदाउट एडमिट कार्ड एग्जाम देना तो मुश्किल है, इवन एग्जाम सेंटर में भी नहीं लिया जाएगा, आपको एग्जाम के लिए बैठने भी नहीं दिया जाएगा। तो क्या इसका सॉल्यूशन है, अगेन जैसे कि मैंने एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पे बोला था कि हमारा ये काम है गाइस कि आप लोगों को नोटिफाई करना है एग्जाम्स के रिगार्डिंग, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी भी कर रहा हूँ अगेन, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही आप लोगों का एडमिट कार्ड रिलीज होगा उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे, सबसे पहले वीडियो के थ्रू नोटिफाई कर दिया जाएगा कि एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है, तो आप लोग अलर्ट हो जाएंगे एडमिट कार्ड रिलीज हो गया है। सेकेंडली मेन थिंग ये कि एडमिट कार्ड किस तरह से डाउनलोड करना उस पर्टिकुलर वीडियो में आपको बता दिया जाएगा, एंड डिस्क्रिप्शन में आपको ऑफिशियल लिंक दे दी जाएगी जिससे सिंपली एक क्लिक करके अपना एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो गाइस इसीलिए अगेन बोल रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है ये चैनल को सब्सक्राइब करना, सिंपली जो लाल बटन है उसे ही आपको दबाना है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं करना है यहाँ पे।
नेक्स्ट बात करेंगे अभी एग्जाम डे गाइडलाइंस। तो गाइस तीन चीज आपको एग्जाम डे के दिन यहाँ पे आपका सिग्नेचर लाइक आप लोगों का सीयूटी का एडमिट कार्ड हो गया, देन आपका आईडी प्रूफ एंड आपका फोटो, ये चीजें आप लोगों के पास जो है रहनी चाहिए। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो उस टाइम पे भी आपके पास ये चीजें रहेंगी, लाइक आईडी प्रूफ हो गया आपका और आपका जो फोटोज हो गया, तो आप लोगों के लिए जो काफी ज्यादा बेनिफिशियल और आसान रहेगा। अब गाइस एडमिट कार्ड के बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों के नेक्स्ट इवेंट आता है, जैसे कि आप एग्जाम देके आते हैं। एग्जाम देने के बाद गाइस यहाँ पे जो आंसर की होती है ऑफिशियल आंसर की, बेसिकली क्या होता है आप जो भी एग्जाम देके आते हैं, आपने सीयूटी का एग्जाम दिया तो उसमें जो भी क्वेश्चंस रहते हैं एमसीक्यू टाइप रहेंगे, लाइक यहाँ पे जो एक क्वेश्चन हो गया। अब गाइस इस क्वेश्चन के जो है इस क्वेश्चन के टोटल चार ऑप्शन है, ऑप्शन वन, ऑप्शन टू, ऑप्शन थ्री एंड ऑप्शन फोर। अब गाइस ये जो भी ऑप्शन है इन ऑप्शन में से जो भी एक सही ऑप्शन रहेगा, लाइक मुझे लगता है कि ऑप्शन वन राइट है तो मैंने ऑप्शन वन सेलेक्ट किया। तो अब गाइस आंसर की क्या रहता है, आंसर की एक जो पीडीएफ रहेगा आप लोगों का, उस पीडीएफ में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर्स दे दे रहेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या था, चार ऑप्शन जो थे ए बी सी डी में से करेक्ट ऑप्शन क्या था वो आपको लिखा हुआ रहता है। लाइक यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है मैंने ए भी टिक किया था लेकिन करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी था, तो मेरा यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, ये राइट है। तो इस आंसर की के बेसिस पे जो है हमें एक रफ आइडिया मिल जाता है कि हमारा कितना स्कोर आने वाला है। अब गाइस यहाँ पे आंसर की क्या होता है, जब आप एग्जाम देके आते हैं तो आंसर की जो है ऑफिशियल अथॉरिटी यानी कि एनटीए जो है थोड़ा लेट आंसर की रिलीज करती है, लेकिन अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो अगर आप आंसर जैसे आप एग्जाम देके आएंगे सीयूटी का ऑन दैट सेम डे आपको इवनिंग पे आंसर की मिल जाएगी। यहाँ पे हम जो है पूरा कंप्लीट आंसर की डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ लाइव, इंस्टीट्यूशनल आंसर की भी आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी और फिर जब ऑफिशियल अथॉरिटी आंसर की रिलीज करेगी तो आपको ऑफिशियल आंसर की के थ्रू भी अपडेट कर दिया जाएगा। आंसर की के बाद रिजल्ट के लिए भी सेम प्रोसेस है, रिजल्ट निकले होते सबसे पहले आप लोगों को हमारे चैनल के थ्रू नोटिफाई करके बता दिया जाएगा। सो गाइस नाउ आई होप कि अभी आप लोगों को सीयूईटी 2023 के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट नहीं होगा। इनकेस भी कुछ डाउट है, कोई हेल्प या कोई डिटेल जाने आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम इंस्टाग्राम की लिंक दे दी गई है, वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे भी हम जरूर आपकी जो क्वेरी सॉल्व करेंगे। और गाइस यहाँ पे अगर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं तो आप लोगों की गाइस जिम्मेदारी बनती है कि अपने दोस्त लोग या फिर आपके जो भी यहाँ पे पार्टनर्स हैं, जो भी ग्रुप है, जो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं या इस पर्टिकुलर एग्जाम की उन्हें जो डिटेल्स चाहिए है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ये जो बेनिफिट्स हो पाए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।